दूँ यहाँ से 30 किलोमीटर है। मैं आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो गाइस देखो, ये है दामोदर नदी। बारिश के कारण अभी पूरी नदी गंदी हो रखी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन होंगे। तो आज हम जा रहे हैं भुरकुंडा, और ये अभी हम हैं बोड़िया कांके ब्लॉक वाली रास्ते में, और उधर से हमारी विलेज को रास्ता जाता है। और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोगों को पता ही होगा, और वही रूट और मान जी भी जाता है। ये रास्ता है कांके ब्लॉक वाला, यहाँ से हम लोग रिंग रोड पकड़ लेंगे। रिंग रोड से पतरातू के बाद भुरकुंडा। और रास्ता मैं पापा के साथ हूँ, पापा को कुछ काम है, उनके दोस्त के घर जाना है, और मुझे कुछ पता भी नहीं इस जगह का क्या नाम है। बस मैं रास्ता जानता हूँ कि इधर से हम लोग कांके ब्लॉक को निकलेंगे, तो हमें आगे से राइट लेना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। और इधर का सीन देखो, बहुत मस्त है यार, हर तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली। कुलपति आवास। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रांची रिंग रोड में। सो गाइस, हम लोग चढ़ चुके हैं रिंग रोड में, और पापा कह रहे हैं धीरे चलने के लिए। और यहाँ आगे बोर्ड में लिखा हुआ पतरातू यहाँ से 30 किलोमीटर है, मुंबई 60-90 किलोमीटर एंड कोलकाता 40-30, जमशेदपुर 161, लेफ्ट साइड रांची। इधर कौन सा रिजॉर्ट है यार, कांके रिजॉर्ट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुकरू। बुकरू के बाद आता है पिठोरिया। ये गाइस पिठोरिया पहाड़, हम लोग आ चुके हैं अभी पिठोरिया में। और इधर का व्यू देखो, हर तरफ पत्थर ही पत्थर है इधर। अगर 70-80 के एवरेज में चलूँगा तो पतरातू पहुँचने में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा। और ये है पिठोरिया चौक, और आगे यहाँ पे तो जाम लग चुकी है। कितनी छोटी सी चौक है, रोड किनारे ही दुकान लगा हुआ है, इस कारण भीड़ भी लग हो जाता है। झारखंड एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बोकारो 120 किलोमीटर, रामगढ़ 45, बड़का खाना 39, और आगे लास्ट में क्या था मैंने देखा ही नहीं। अगर पापा साथ में नहीं होते तो पूरी कॉर्नरिंग चलती, स्पीड लिमिट 20 और हम लोग चल रहे हैं 47। ये मोटो जीपी वाला रास्ता नहीं लग रहा यार, और आगे का नज़ारा देख रहा है, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है यहाँ पे। पापा बैठे हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी लीनिंग कर रहा हूँ। और यहाँ का ट्रक का क्या हाल होता है यार,
चढ़ने में हालत खराब हो जाता है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र और यहाँ का व्यू इतना लाजवाब है कि मैं क्या ही बोलूँ। और अभी मेन सीन तो आगे बाकी है, ब्लॉग को पूरा देखना गाइस, स्किप मत करना। और ये जगह तो फोटो शूट के लिए तो एक नंबर है यार। देखो यहाँ का जगह, पूरी जंगल ही है एकदम हर तरफ। मैं इतनी कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, पापा चुपचाप बैठे हैं। और देखो अब यहाँ से ढलान शुरू होती है, यहाँ का रास्ता देखो पूरी ढलान। और इधर का व्यू देखो, आप लोग भी आ सकते हो गाइस यहाँ घूमने के लिए। देखो कितने लोग आते हैं यहाँ। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको सभी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे रोड के किनारे। गाइस मैं आप लोगों को एक जगह दिखाता हूँ, 1, 2 एंड 3। देखो यहाँ का जगह, देखो यहाँ से राइडर की टीम आ रही तो गाइज़ हम लोग ले चुके हैं कुछ कॉर्नरिंग शॉट्स, बट कुछ ढंग के कॉर्नरिंग हुए नहीं। बिकॉज मैं अगर इसे ज़्यादा लीन कर रहा हूँ ना, तो उसकी जो डबल स्टैंड होती है मेन स्टैंड, वो टच हो जा रही है रोड पे। बट कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसी लगी आपको। और यहाँ का नज़ारा देखो, ताला टाँग क्या नाम है यार जगह का, ये देखो छतरी हीरो लोगों को। गाइस हमें भी फुल सपोर्ट करो ताकि एक दिन हमारे पास भी स्पोर्ट्स बाइक हो अपनी खुद की, और हम लोग भी इसमें पूरी एंजॉय कर सकें। और गाइस ये है पतरातू रिजॉर्ट, पतरातू लेक रिजॉर्ट। और अंदर में गाइस यहाँ पे पार्क भी है, यहाँ आ सकते हो आप लोग घूमने के लिए। और हम पतरातू डैम के किनारे किनारे चल रहे हैं। ये जिंदल स्टील की फैक्ट्री, रामगढ़ 18 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ से रामगढ़ 18 किलोमीटर। और हम टोटल चल चुके हैं 50 किलोमीटर। तो गाइस देखो ये है दामोदर नदी, बारिश के कारण अभी पूरी नदी गंदी हो रखी है। और यहाँ की पुल की स्थिति भी बहुत खराब है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी मंजिल में। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।